नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच हुए भयंकर युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्यों, आप लोग सोच में पड़ गए ना कि भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच युद्ध? हाँ, सही सुना आपने। एक बार श्री कृष्ण और महादेव के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, तो मैं आप लोगों को उसी युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह युद्ध कब और कैसे हुआ था, आखिर इस युद्ध के पीछे का कारण क्या था, और यह युद्ध इतना भयंकर हुआ था कि श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र और भगवान शिव ने अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में त्राहि त्राहि मच गई। और फिर यह युद्ध शांत कैसे हुआ, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु और महेश को सर्वोच्च माना गया है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था, और उसी समय में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध की वजह श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और असुर राज बाणासुर की पुत्री उषा की प्रेम कहानी थी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के कई पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र प्रद्युम्न थे और प्रद्युम्न के बेटे का नाम अनिरुद्ध था। असुर राज बाणासुर की पुत्री ने एक बार अनिरुद्ध को अपने सपने में देखा और उसको उससे प्रेम हो गया। वह किसी भी हालत में अनिरुद्ध से विवाह करना चाहती थी। उषा ने अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा को द्वारिका में भेजा। चित्रलेखा रात के अंधेरे में श्री कृष्ण के महल में घुस गई और अनिरुद्ध उस समय अपने महल में सो रहा था। चित्रलेखा उसे पलंग समेत उठाकर वहां से ले गई और उसका अपहरण कर सीधा हिमालय में उखी मठ के पास में ले गई। उषा भी वहां पहुंच गई और जब अनिरुद्ध की आंख खुली तो वह आसपास का नज़ारा देखकर चौंक गया। तब उषा ने अनिरुद्ध को पूरी कहानी बताई और अनिरुद्ध भी उषा की सुंदरता पर मोहित हो गया। फिर दोनों ने वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया। दूसरी ओर जब बाणासुर को इस बात की खबर लगी तो अनिरुद्ध को पकड़कर कारावास में डाल दिया। जब श्री कृष्ण को इस बात की खबर लगी कि उनके पोते अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया है, तो श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना को सजाकर बाणासुर के राज्य पर आक्रमण करने की श्री कृष्ण ने उसके राज्य पर आक्रमण किया है, तो उसने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव को बुलाया। बाणासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि जब भी उस पर कोई संकट आएगा तो भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। इसीलिए भगवान शिव को बाणासुर की रक्षा करने के लिए आना पड़ा। वह अपनी सेना सजाकर बाणासुर के राज्य में उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। फिर कुछ समय बाद कृष्ण और शिव की सेना में युद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण ने बाणासुर के सैकड़ों सैनिकों का वध कर दिया। शिव जी ने भी श्री कृष्ण के बहुत से सैनिकों को मार दिया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तभी श्री कृष्ण ने निद्रा अस्त्र छोड़ दिया और शिव जी गहरी नींद में चले गए। तभी श्री कृष्ण ने इसका फायदा उठाया और बाणासुर पर बाणों की बौछार करने लगे। जब शिव जी नींद से उठे तो उन्होंने देखा तो ऐसा लग रहा था कि बाणासुर की सेना पर जैसे मानो कि कोई कहर टूट गया हो। तो क्रोध में आकर शिव जी ने अपना त्रिशूल चला दिया। उसके उत्तर में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। ये सब देखकर सभी देवी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से तुरंत इस युद्ध को रोकने की विनती की। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे भी इस युद्ध को नहीं रोक सकते हैं। इस युद्ध को सिर्फ एक ही देवी है जो इस काम को कर सकती है, और वो है माँ दुर्गा। तब ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा से इस युद्ध को शांत करने की विनती की। माँ दुर्गा जब युद्ध क्षेत्र में पहुंची तो सभी उन्हें देखकर प्रणाम करने लगे। उसके बाद माँ दुर्गा ने बाणासुर को समझाया कि उसने गलत तरीके से अनिरुद्ध को कैद किया है। तब बाणासुर ने अपनी गलती मानी और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। फिर उसने अनिरुद्ध को अपने कैद से रिहा कर दिया और अपनी बेटी उषा को उसी उसके
के साथ विदा कर दिया। कृष्ण अपने पुत्र और पुत्र वधु को लेकर द्वारिका खुशी खुशी लौट गए। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच हुए भयंकर युद्ध की कहानी। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझे अपना सहयोग दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी ही वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।